दोस्तों, अगर आप भी स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर देख रहेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 2023 से 27 प्रोविजनल रिजल्ट जारी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैथिली फ्रीजन भोजपुरी ही रिजल्ट अभी जारी किया गया है। इसके अलावा जो विषय बच गया है उसका रिजल्ट कब घोषित होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी ब्रावो यूनिवर्सिटी स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर परिणाम कब होगा जारी, इसके लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या जानकारी दी गई है। तो रिजल्ट चेक करने में पहली बात तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, जान दीजिए अभी से, क्योंकि यह पहली बार लागू हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर यानी 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हुआ है, तो इसमें रिजल्ट आपका किस तरह से शो होगा, किस तरह से दिखाएगा और कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉलेज रोल नंबर देना होगा, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कॉलेज करना होगा, फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ भरना होगा, फिर जाके आप अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। वहीं बात करते हैं LNMU जो मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं तो उन्हें कैसे चेक करना, उन्हें यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि के अलावा रिजल्ट चेक करना है। मार्कशीट देखिए अलग तरह से तैयार किया जा रहा है, रिजल्ट आपका बिल्कुल रूप से तैयार किया जा रहा है, बहुत ही जल्द घोषित कर दी जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी रिजल्ट जारी नहीं की गई है, केवल और केवल यहाँ अभी से कुछ दिन पहले पार्ट 1 रिजल्ट जारी किया गया था आर्ट्स का, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं की गई है। कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आपका अप्रैल के अंतिम वीक तक आने की संभावना बताई गई है, वहीं मई में 100% रिजल्ट आपकी आपका घोषित कर दी जाएगी। तो अभी आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे, देखिए अभी हम इस वीडियो की मदद से हम आपको चेक करके बताएंगे रिजल्ट, तो आप लोग बने रहिए, हम चेक करके भी बताएंगे, लेकिन वहाँ पे चेक नहीं हो पाएगा रिजल्ट, सभी का रिजल्ट चेक नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम लोग गूगल से चलते हैं, अच्छी तरह से करते हैं यूनिवर्सिटी सबका, सभी यूनिवर्सिटी का मतलब देखेंगे। अब जैसे हम गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, थोड़ा देर बना रहिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। MNC क्लासेस गूगल पर सर्च करेंगे, फिर हम पहला पेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा जो हमारे सामने आने वाले हैं, तो ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे UPSC टॉपर लिस्ट है, यहाँ पर अपने समस्तीपुर के बहुत ही अच्छे एक नेक इंसान है जिन्होंने बिल्कुल तरह से नाम रोशन किए हैं, 19वां रैंक लाए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट घोषित, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपको ओपन करके अलग हो जाना है। फिर आपके सामने इस तरह के पेज आएगा, आपको इसको अच्छी तरह से रीड करना है, अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना है कि आपका परिणाम कब होगा घोषित, कब कैसे आप चेक कर पाएंगे। सही न्यूज़ सभी यहाँ पर दे दी गई है, तो यहाँ पे आकर के आप रिजल्ट चेक करने से के संबंध में सभी जानकारी को देख लेंगे। फिर आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर के डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिंक है मिथिला यूनिवर्सिटी के रिजल्ट चेक करने का और यहाँ पर ब्रावो यूनिवर्सिटी का है, तो जैसे हम ब्रावो यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो रिजल्ट चेक करने का लिंक ओपन हो जाता है। अब आप यहां से आप अपना ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है, तो सारे विषय का अभी आप परिणाम आप चेक कर सकते हैं बिना किसी झंझट के साथ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी का, तो मिथिला यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक आपके सामने ओपन हो रहा है, हालांकि अभी परिणाम जारी नहीं की गई है, कुछ ही दिन बाद घोषित कर दी जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आती है सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि व्हाट्सएप से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी वीडियो को विशेष लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।